के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है प्लांट किंगडम। आज प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 ये किंगडम प्लांट ही है। ये तो प्लांट किंगडम में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म है ये वो मल्टी सेलुलर हैं और क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग है। ये क्लोरोफिल इसमें होता है, क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा जो है सेल वॉल भी ये इसमें होता है, इम्पॉर्टेंट है, ये सेल वॉल इसमें होता है। इसके अलावा जो है ये जो जो करेक्टर हैं, जैसे कि ये किंगडम प्लांटी में जो है ये इसमें क्या है, ये यूकैरियोटिक हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं, क्लोरोफिल इसमें है, सेल वॉल जो है प्रेजेंट है, इसको हम लोग किंगडम प्लांटी में रखे हुए हैं। और इट इज़ नॉन एज पॉपुलरली नॉन एज प्लांट किंगडम, इसको प्लांट किंगडम हम लोग कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दो चार टर्म्स हैं, जैसे फाइलोजेनिक ये टर्म है, फाइलोजेनेटिक। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है, फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किसके ऊपर ये बेस्ड है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन जो हुआ है ये इसके ऊपर ये बेस्ड होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो ये टर्म्स हम लोग जो है को याद रखना पड़ेगा, फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर ये बेस्ड है। जहाँ फाइलोजेनिक आएगा वहाँ पे समझना है कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर ये बेस्ड है। इसके अलावा ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक टर्म आता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये टर्म आता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो ये यूज़ कंप्यूटर बाय असाइनिंग कोड फॉर ईच कैरेक्टर एंड एनालाइजिंग द फीचर्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी टर्म्स को हम लोग याद करके रखना है, ये कंप्यूटर के द्वारा जो है यूज़ कंप्यूटर बाई असाइनिंग कोड फॉर ईच कैरेक्टर एंड एनालाइजिंग द फीचर्स। ये है कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी टर्म बार बार आता है। ये कीमोटैक्सोनॉमी इस तरह का क्लासिफिकेशन है जो कि केमिकल के ऊपर बेस्ड है। कीमोटैक्सोनॉमी इज अ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। साइटोटैक्सोनॉमी ये देख रहे हैं, साइटोटैक्सोनॉमी सेल के ऊपर है, ये नीचे है कीमोटैक्सोनॉमी, ये केमिकल के ऊपर है। साइटोटैक्सोनॉमी जो है ये साइटोटैक्सोनॉमी ये सेल के ऊपर बेस्ड है। ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन किस तरह का सेल है, तो टैक्सोनॉमी इस तरह का जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है उसको हम लोग बोलेंगे साइटोटैक्सोनॉमी। और जो केमिकल प्लांट में किस तरह का केमिकल है उस तरह के ऊपर बेस्ड है तो उसको साइटोटॉक्सोनॉमी कहेंगे हम लोग। साइटोटॉक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन केमिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। और कीमोटैक्सोनॉमी जो है ये कीमोटॉक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड है, यूज़ केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन, किस किस तरह का केमिकल है। तो ये दो चार टर्म हम लोग को याद रखना है, क्या क्या है, ये फाइलोजेनिक है, एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, साइटोटॉक्सोनॉमी है और कीमोटैक्सोनॉमी। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट किंगडम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। प्लांट किंगडम को मेनली दो भागों में, ये प्लांट किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया है। एक जो है प्लांट विदाउट सीड्स, जिसमें सीड्स नहीं हैं, और दूसरे जो हैं प्लांट विथ सीड, जिसमें सीड हैं। ये दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जिसमें विदाउट सीड वाले को कहते हैं क्रिप्टोगेम्स, इसका नाम दिया गया है क्रिप्टोगेम्स। एंड प्लांट विद सीड, जिसमें सीड है उसको बोलते हैं फेनरोगेम। तो प्लांट किंगडम को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक क्रिप्टोगेम्स और दूसरा फेनरोगेम्स।
जनरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्लांट किंगडम को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक क्रिप्टोगेम्स और दूसरा जो है ये फेनोरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में क्या है, प्लांट विदाउट सीड, जिसमें सीड नहीं है, और फेनोरोगेम्स क्या है, प्लांट विथ सीड, इसको फेनोरोगेम्स हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्रिप्टोगेम्स जो हैं, क्रिप्टोगेम्स क्या है, ये प्लांट विदाउट सीड, प्लांट विदाउट सीड। इसमें अगला डिवीज़न है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा है ये जिसमें रूट, स्टेम, लीफ ये डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, ये उसके बाद ब्रायोफाइटा आता है, वैस्कुलर बंडल नहीं होता है, फिर टेरिडोफाइटा होता है, इसमें वैस्कुलर बंडल जो है डेवलप होता है। और फेनोरोगेम्स जो है, फेनोरोगेम्स क्या था, प्लांट विद सीड था ये। इसमें क्या आता है, इसमें जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म आता है। तो आगे हम लोग सबको देखते हैं, आज हम लोग इस क्लास में देखते हैं अल्गी के बारे में देखते हैं। ये अल्गी, अल्गी जो है ये थैलोफाइटा में आता है, अल्गी जो है ये थैलोफाइटा में आता है, इसमें रूट, स्टेम, लीफ ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। तो अल्गी के बारे में ये बता रहा, दिस इंक्लूड सिंपलेस्ट प्लांट, अल्गी में क्या आता है, सिंपलेस्ट प्लांट आता है, विच पोसेस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनडिफ्रेंशिएटेड, अनडिफ्रेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीफ जो है अलग अलग नहीं होता है, अनडिफ्रेंशिएट। जब रूट स्टेम नहीं होता है तो उसको थैलस कहते हैं, रूट स्टेम और लीफ अलग अलग नहीं दिखता है तो ऐसे प्लांट को हम लोग थैलस बोलते हैं, थैलस। तो ये जो है पोजेस अनडिफ्रेंशिएटेड और थैलस लाइक फॉर्म, तो ये थैलस लाइक फॉर्म बोलते हैं अलगा जो है, थैलस लाइक फॉर्म में ये होता है। थैलस मतलब के रूट, स्टेम, लीफ जो है ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, और रिप्रोडक्टिव इसके जो ऑर्गन होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, और इसको गैमेटेंजिया बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये सिंगल सेल्ड को हम लोग गैमेटेंजिया बोलते हैं। इट इंक्लूड ओनली अलगा, ये इसमें क्या है, ये अलगा है केवल, ये थैलोफाइटा में ये अलगा आपका आ गया थैलोफाइटा। यहाँ हम लोगों ने देखा ये थैलोफाइटा, पहला क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइटा है, तो थैलोफाइटा में ये अलगा आ गया जिसका रूट, स्टेम और लीफ अलग अलग नहीं होता है, तो उसको थैलोफाइटा बोलते हैं, और थैलोफाइटा में ये अलगा आ रहा है। इसका सिंगल सेल जो है गैमिट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको कि गैमिटेंजिया कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिंगल सेल इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये गैमिटेंजिया इसको बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग अब देख रहे हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ अलगा, ये अलगा का क्या क्या करैक्टरिस्टिक है। तो ये देख रहे हैं कि प्लांट अलगा का करैक्टरिस्टिक हम लोग देख रहे हैं, तो अलगा के करैक्टरिस्टिक में हम लोगों ने देखा कि प्लांट बॉडी जो है रूट, स्टेम और लीफ अलग अलग नहीं है, तो इसको थैलस बोलते हैं। तो अलगा का बॉडी कैसा होता है, थैलस लाइक होता है, थैलस विच मे बी यूनिसेलुलर। ये जो थैलस हो सकता है, अलगा जो हो सकता है, ये कैसा हो सकता है, ये यूनिसेलुलर हो सकता है, या कॉलोनियल ग्रुप में ये रहता है, या फिर फिलामेंट धागा के जैसा हो सकता है, और कैसा हो सकता है, ये पैरेन्काइमेटस हो सकता है, ये पैरेन्काइमेटस, ये टर्म पे ध्यान देना है, पैरेन्काइमेटस हो सकता है। आगे बता रहा है यूजली एक्वाटिक, ये अलगा जो होते हैं कैसे होते हैं, यूजली एक्वाटिक होते हैं, मीन्स पानी में ये रहते हैं, बट यू फ्यू आर ऑल्सो, कुछ जो हैं फाउंड इन मॉइस्ट एस्टरियल हैबिट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मॉइस्ट एस्टरियल हैबिट में पाए जाते हैं, मॉइस्ट मतलब गीला, और टेरेस्टेरियल जो है आपका, टेरेस्टेरियल मतलब हो गया कि जमीन पे हैबिट पे पाए जाते हैं, जमीन पे पाए जाते हैं, लाइक ट्री ट्रंक, जो पेड़ है उसके तनों में, ट्री ट्रंक में ये पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं ये वेट रॉक, जो रॉक कैसा है, भींगा हुआ पत्थर है उस पर भी ये पाया जा सकता है, मॉइस्ट सॉइल जिसमें नमी है सॉइल में उसके ऊपर भी ये पाया जा सकता है। आगे बता रहा है कि वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं जाइलम फ्लोएम, ये जाइलम फ्लोएम ये एब्सेंट होते हैं, और ये मैकेनिकल टिश्यू जो है आर ऑल्सो एब्सेंट, वो भी ये एब्सेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है, टूट जा रहा है दो भागों में और फिर वो डेवलप हो जा रहा है। इसके अलावा कैसा हो रहा है,
ए सेक्सुअल मैथड से हो रहा है कि मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, अकेले ही ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, ए सेक्सुअल इसको बोलते हैं। कैसे करता है ये? बाई स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू करता है। उस स्पोर का क्या नाम हम लोग बोलते हैं? जू स्पोर इसको बोलते हैं, जू स्पोर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता है ये फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स के द्वारा करता है। फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, वी मे बी विच मे बी आइसोगैमस, आइसोगैमस मतलब दो समान तरह के गैमिट होते हैं, तो आइसोगैमस उसको बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल, आइसोगैमस में जो है स्पायरोगैरा है, एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस एक गैमिट बड़ा है एक गैमिट छोटा है, तो इसको एनाइसोगैमस हम लोग बोलते हैं। इसका एग्जांपल है क्लैडोमोनास, इसका एग्जांपल है क्लैडोमोनास और उगोनियम, उगैमस एक है, उगैमस टाइप का जो होता है वो वॉल्वॉक्स में होता है, वॉल्वॉक्स में। अब इसका देखते हैं कि लाइफ साइकिल इसका कैसा होता है। लाइफ साइकिल जो है तीन तरह का ये हो सकता है, हैप्लॉन्टिक, ये हैप्लॉन्टिक हो सकता है, या डिप्लॉन्टिक हो सकता है, या हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो सकता है। तीन तरह के ये लाइफ साइकिल होते हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। इसमें हैप्लॉन्टिक में एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसमें 2x होता है, और इसमें दोनों स्टेज पाई जाती है, x और 2x। तो ये लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या फिर डिप्लो हैप्लॉन्टिक ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि अलगा को जो है तीन भागों में डिवाइड किया गया है। अलगा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? अलगा को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला को कहते हैं क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी मतलब होता है ग्रीन अलगा। दूसरा है फियोफाइसी, फियोफाइसी मतलब होता है ब्राउन अलगा। और रोडोफाइसी मतलब है ये रेड अलगी। तो ये तीन तरह के हैं, ग्रीन अलगी हैं, ब्राउन अलगी हैं और रेड अलगी हैं। क्लोरोफाइसी मतलब हम लोग का होता है ग्रीन अलगी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन अलगी और रोडोफाइसी मतलब रेड अलगी। तो ये तीन तरह के जो हैं अलगी होते हैं मेन। ऐसे तो अलगी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग को क्लास 11 में तीन तरह का अलगी को पढ़ना है। तो ये जो ग्रीन अलगी हैं, ग्रीन अलगी हैं ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और सब एरियल जगह पे पाए जाते हैं। ये ब्राउन अलगी जो है ये मोस्टली मैराइन होते हैं, समुद्री पानी पे आते हैं, और रेड अलगी भी जनरली ये मैराइन ना मोस्टली मैराइन ये होते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये है, ग्रीन अलगा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एबंडेंट है, ये यूनिसेलुलर इसमें बहुत सारे हैं ग्रीन में, और यूनिसेलुलर स्पीसीज जो है ये एब्सेंट है ब्राउन में, और रेड में है यूनिसेलुलर स्पीसीज फीवर हैं, कुछ ही हैं इसमें। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, ये क्लोरोफिल ए और बी दोनों हैं इसमें। ग्रीन अलगा में क्या है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल दोनों हैं। इसमें क्लोरोफिल ए और सी है, इसमें क्लोरोफिल ए और डी है। ग्रीन अलगा में रिजर्व फूड जो है स्टार्च होता है, रिजर्व फूड ब्राउन अलगा में लैमिनारिन होता है, और रिजर्व फूड जो है रेड अलगा के केस में है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। रेड अलगा में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। क्वेश्चन बराबर पूछता है कि बोलिए कि रेड अलगा में क्या होता है रिजर्व फूड, तो फ्लोरिडियन स्टार्च। ब्राउन अलगा में क्या होता है? तो लैमिनारिन होता है। और ग्रीन अलगा में रिजर्व फूड क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे कि स्टार्च होता है, ये आंसर हम लोग देंगे। सेल वॉल के ऊपर आते हैं। ग्रीन अलगा का सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है, ब्राउन सॉरी सेल वॉल जो है ब्राउन अलगा का सेल वॉल, इसमें सेलुलोज होता है और ये अल्जीन होता है, ये अल्जीन इम्पॉर्टेंट है ये। और रेड अलगा में जो है सेल वॉल कंटेंट सेलुलोज, ये क्या इसमें कंटेंट करता है? सेलुलोज कंटेंट करता है रेड अलगा में सेलुलोज, और साथ में पॉली सल्फेट एस्टर भी ये कंटेंट करता है।
अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये फ्यूकोजैंथिन जो है आपका, फ्यूकोजैंथिन ये आपका यहाँ एब्सेंट होता है ग्रीन अलगा में, और फ्यूकोजैंथिन यहाँ पे प्रेजेंट है, और फाइको एरिथ्रिन जो है यहाँ पे, ये फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट है ये यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पे फ्यूकोजैंथिन है ब्राउन में, और यहाँ पे फ्यूकोजैंथिन जो है ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है, और फाइको एरिथ्रिन ये यहाँ पे होता है। अब रिप्रोडक्शन में हम लोग देख रहे हैं ये जू स्पोर्ट जो है यहाँ पे ग्रीन अलगा में प्रेजेंट होते हैं, ब्राउन अलगा में भी जू स्पोर्ट प्रेजेंट होते हैं, और जू स्पोर्ट रेड अलगा में ये एब्सेंट होते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि ग्रीन अलगा का क्या है एग्जांपल, ग्रीन अलगा का एग्जांपल है क्लेडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह। ब्राउन अलगा का एग्जाम्पल हुआ फ्यूकस और सार्गेसम और इक्टोकार्पस। रेड अलगा का एग्जाम्पल हुआ पॉलीसिफोनिया जेलेडियम और पोरफायरा, ये सारे जो है एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये जो है हम लोग अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रायोफाइटा देखेंगे। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट जो है ये अलगी का क्या है, ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, तो लार्ज नंबर ऑफ ब्राउन अलगी है। ब्राउन अलगी में क्या एग्जांपल है, लेमिनेरिया है, सार्गसम है, यूज एज फूड, इसको जो है फूड के रूप में यूज़ करते हैं, कहाँ करते हैं, सम कंट्री में करते हैं, फूड के रूप में इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद ये बता रहा है कि फ्यूकस है, फ्यूकस और लेमिनेरिया आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, इसे आयोडीन भी निकाला जाता है। लेमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है एंटीबायोटिक की भी प्रॉपर्टी होती है। आगे हम लोग देखते हैं अल्जेनिक एसिड, ये अल्जेनिक एसिड जो है ये केमिकल है, अल्जेनिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूकस एंड सार्गसम, सार्गसम से ये लिया जाता है, विच इज़ यूज्ड एज इमल्सन के रूप में यूज किया जाता है इमल्सन। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो है अल्जेनिक एसिड क्या चीज़ में यूज किया जाता है ये, तो हम लोग कहेंगे कि अल्जेनिक एसिड जो है इमल्सन के रूप में यूज किया जाता है, कहाँ से पाया जाता है, फाइकस और सार्गसम से पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ब्रायोफाइट्स।